What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi X की। तो यहाँ पर फाइनली उसका नाम हो चुका है कंफर्म, लेकिन यहाँ पर अभी तक लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तक कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर उसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन आ चुकी है और ये जो स्पेसिफिकेशन है वो 99% कंफर्म है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी फोन की, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं फॉलो। एंड यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा Redmi K20 Pro। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर इसका नाम है Redmi K20 Pro और इसका एक लाइट वेरिएंट भी होगा जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन 855। और काफी रूमर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये पोको F2 भी हो सकता है इंडिया के लिए, तो यार ये तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशन काफी धमाल है, और यहाँ पर इसकी लाइव इमेज भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये जो कलर है ये है ग्लेशियर ब्लू, और यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी थिकनेस की बात करें तो अच्छा खासा ऐसे भारी भरकम फोन लग रहा है, और ऊपर की तरफ आप पॉपअप कैमरा सेंसर देख सकते हैं। एंड बैक पे जैसे मैंने बताया था कि आपको ग्लास देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि ग्लास होगी, मेटल होगा या होगी प्लास्टिक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लग रहा है देखने में। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन से। तो यहाँ पर स्क्रीन की बात करें तो 6.39 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो 6th जनरेशन फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। अब मैंने बताया था कि आपको रियलमी एक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा 6th जनरेशन फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पर रेडमी K20 Pro में भी आपको 6th जनरेशन का ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये काफी ज्यादा फास्ट है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ वीवो V15 Pro से, तो उसमें आपको 5th जनरेशन देखने के लिए मिला है एंड यहाँ पर आ चुका है 6th जनरेशन। वाओ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना फास्ट होने वाला है। यहाँ पर 6.39 इंच की जैसे मैंने बताया आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 91.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाला है। तो यार यहाँ पर बेजल्स इस बार काफी पतली होने वाली है Redmi की तरफ से, तो पहली बार Redmi की तरफ से हमें काफी पतली बेजल्स देखने के लिए मिल सकती है। अब फ्रंट पर आपको कोई नोच देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा पॉपअप कैमरा सेंसर, और यहाँ पर जो आपको कैमरा दिया जाएगा, अभी तक मैं आपको बताता था कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा विद फोकस एपर्चर F2.0। और यहाँ पर फ्रंट की प्रोटेक्शन की बात करें तो आपके लिए ऐसे खुशियां आया, बधाइयां जी बधाइयां, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर फुल फ्लैगशिप डिवाइस वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर इस फोन का प्राइस भी काफी अच्छा खासा सही होने वाला है, यानी कि सही होने वाला है, कम ऐसा नहीं ज्यादा होने वाला है, ना ना ना। तो अगर आप फोन लेने के लिए ऐसे सोच रहे हैं तो बस इस महीने का वेट और फिर आपके हाथ में ऐसा खजाना लग जाएगा। अब बात करते हैं इसके बैक की, तो बैक पर आपको ग्रेडिएंट फिनिश देखने के लिए मिल सकती है Redmi के फोन में, और यहाँ पर साथ ही साथ बात करें ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, और ये वही ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जैसे कि मैं आपको काफी सारी वीडियो में बता चुका हूँ, 48+8+13 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो यार यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में इतना बड़ा चेंज है नहीं, और जैसे मैंने बताया अभी तक बैक पर कन्फर्म नहीं है कि आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगी, ग्लास देखने के लिए मिलेगा या मेटल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फ्रंट पर जो आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिली है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो तो कमाल ही है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितना कमाल लगाए। अब बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 3.5mm जैक देखने के लिए मिलेगा, एंड यहाँ पर बैटरी की बात करें तो 4000mAh की बैटरी कंफर्म हो चुकी है, 27W की फास्ट चार्जिंग। अब मुझसे किसी ने कहा था कमेंट में कि 100W की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी, तो नहीं, यहाँ पर Xiaomi के पास 100W की फास्ट चार्जिंग तो है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको 27W की ही फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इस फोन को बिल्कुल पोको F2 जैसा ही बना देती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर काफी सारे रूमर्स हैं कि ये पोको F2 हो सकता है, तो मुझे भी लगता है पोको F2 हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टेनोशेयर, ये एक एंड्रॉइड डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपके किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में से कोई डाटा लॉस्ट हो चुका है तो आप इसकी हेल्प से उसे रिकवर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, और आप इसका फ्री ट्रायल भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए। तो मैं बताता हूँ इसे आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए, तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए, और ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको फोन को रूट होना काफी ज्यादा जरूरी है, और रूट करने से पहले आप एक बात को ध्यान में रखें, अगर आपका फोन अंडर वारंटी है तो आप अपने रिस्क पर इसे रूट करें, क्योंकि रूट होने के बाद आपके फोन की वारंटी जो है वो वॉइड हो सकती है। तो यहाँ पर आप कुछ प्रोसीजर देख सकते हैं, इन प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने फोन को इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारे प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और आपको इस सॉफ्टवेयर में टिक करना है कि आपको क्या एक्चुअल में रिकवर करना है।
तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट को रिकवर कर दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर अपने फोन को दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने एक्चुअल में कॉन्टैक्ट को डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने एक ही कॉन्टैक्ट डाला हुआ है जो कि है मेरे घर का नंबर होम, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि मैं तो इसका बैकअप बना सकता था, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इससे फोटो वगैरह भी रिकवर कर सकते हैं। तो करते हैं इसे डिलीट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुका है। तो चलिए करते हैं इसे रिकवर। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, और उसके बाद आप किसी भी डाटा को देख सकते हैं रिकवर होते हुए। यहाँ पर मेरे जो कॉन्टैक्ट था होम का वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। और किसी तरीके से आप किसी भी फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, कॉल हिस्ट्री या मैसेज, किसी भी चीज को आप रिकवर कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहां से जाकर इसका फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप ऐसी लीक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं 98% ऐसे कंफर्म लीक्स देता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल पर चल रहा है गिव अवे, आई बटन इधर या इधर पॉपअप हो रहा होगा तो पहुंच जाइए, आप उसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। एंड मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें ऐसी लीक्स के लिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट बीट, स्टे ट्यून्ड विद द चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय। अगर मैं हार अकल हुआ बेसहार अकल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ, बात ये बता रहा कल की कल का क्या भरोसा, कल को किसने परोसा।